किसने मारी टक्कर? बाइक वाले ने। हाँ, ये हाथ पूरा स्वेल हो रखा है। कल पट्टी। तुम लोग ही मेरे को अब बता रहे हो टक्कर मारी किसने? पापा का कल एक एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। मुझे पता है हेटर सबके होते हैं, मेरे भी हेटर हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अगर चौकियों में ही लगते रहेंगे गलत हो जाता है बहुत। ये देखो इतना लैग मार रहा है मेरा पीसी, वो लैपटॉप। हाँ ठोकी? कहाँ से ठोकी? टक्कर मारी शीश। किसने मारी टक्कर? बाइक वाले ने। पापा के शीशा टूट गया, चोट लग गई पापा के। यहाँ से टक्कर, वो ऐसे क्रॉस कर रहे थे, उसने ऐसे ठोका। ये पापा उधर को गिरे। ये तो पहले से था, ये तोड़ दिया, ये पूरा टूट गया, ये भी तोड़ दिया। कोई टक्कर यहाँ से मारी पापा के? चोट लगी हाँ, पूरा घुटना छिला हुआ, हाथ में लगी। माँ के किसम था? तो तुम लोग मेरे को अब बता रहे हो? ज्यादा लगी पापा के? तो मुझे सुबह क्यों नहीं बताया फिर आप लोगों ने? कल हुआ क्या? कैसे लगी है चोट? टक्कर मारी किसने? हाथ भी सूजा हुआ है, इस तरफ से गिरे क्या? सो के ये वाला ब्लॉग बहुत बेकार तरीके से शुरू हो रहा है। मेरे को जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही पता चला कि पापा का कल एक एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, और पापा का चोट लग गई। मेरे को नहीं पता था, सुबह मैंने देखा पापा लचक के आए थे, तो मैंने सोचा कि पापा के पेन रहता थोड़ा बहुत घुटने में, बट मम्मी ने मेरे को भी बताया। तुम्हें एक चीज़ सच से बताना, आज मेरा बिल्कुल मन नहीं था ब्लॉग करने का। इनफैक्ट तुम लोग सुबह से देख रहे होंगे मेरा बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज लग रहा था, मैं ढंग से बोल नहीं पा रहा था, मतलब मेरे को गुस्सा आ रहा था। आई डोंट नो क्यों, कल वाली बात है पापा का जो एक्सीडेंट हो ना, उस चक्कर में मेरा बहुत इरिटेट हो गया था, तो मैं व्लॉग भी नहीं कर रहा था। बट हाँ, पापा ने बोला कि तू व्लॉग करना मत छोड़, तू व्लॉग करते रहे। लोग बहुत से लोग ना ये चाहते हैं कि मैं व्लॉग ना करूँ, मैं व्लॉग अपलोड ना करूँ। क्लबिंग की एक लाइन है ना, एंड तक रहूँगा मैं क्रीज में, मेहनत का बीज रखा है। तो गाइस वो वाली लाइन है, तो हम लोग ये चीज़ें नहीं छोड़ेंगे, हम करते रहेंगे फुल पावर। मुझे पता है हेटर सबके होते हैं, मेरे भी हेटर हो गए, कोई दिक्कत नहीं, बट हाँ थोड़ा नहीं करना चाहिए था। फिलहाल के हम लोग देहरादून की तरफ जा रहे हैं, तो मिलते हैं तुमसे मोटो व्लॉग में। सबसे सही चीज़, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइस। हमारे फ्रीडम फाइटर थे ना, उन लोगों ने हमारे लिए बहुत कुछ करा है, तो उनको हमेशा याद रखना कि जिनकी वजह से हम लोग आज घूम पा रहे हैं ना, हम कुछ भी आज़ाद हैं हमारा देश, सिर्फ उन लोगों की वजह से है। तो उन लोगों के लिए दिल से रिस्पेक्ट है उन सब के लिए गाइस। इसकी वजह से ना ये पानी देख रहे हो तुम लोग, बेकार लगता है भाई ये पानी, भयंकर जाम ही था पिछली बार भी। यहाँ भारत का जो तिरंगा होता है ना, जब ऐसा लहराता है ना भाई, इतना प्राउड फील होता है ना भाई, इतना प्राउड। यहाँ पे आके मौसम इतना ठंडा हो गया ना भाई, बस बारिश ना आए यहाँ पे यार। बढ़िया भाई। हाँ ठीक है, क्या हो गया? चक्कर चौकियों में ही लगते रहेंगे जिंदगी अपनी ऐसी। हाँ भाई, हाय हेलो कर दे। अक्षत हाउ आर यू फीलिंग? गाइस मेरी गाड़ी चीज हो गई गाइस। गाइस हम लोग जस्ट निकल गए, हम लोग जूस पीने आए थे 5 बजे ग्राउंड में, देखते कौन आता है। देख लेंगे भाई कौन आता है। तो गाइस ये सारे अभी 1, 2, 3 तीनों के तीनों ना गाय भगाने गए थे, पता नीचे की तरफ। जिम्मे के तो लात लगी बड़ी खींच के मुंह में। मैं तुम लोगों को चीज़ बताता हूँ, मैंने जिंदगी में कभी यूट्यूब से कुछ कमाया ना कमाया हो, बट एक जो परिवार होता है ना, वो मैंने यूट्यूब व्लॉग्स के थ्रू बनाया भाई। यू वॉन्ट बिलीव, मैंने जैसे स्टोरी लगाई थी पापा की स्कूटी टूट रही है, मैंने बोला था कि जिस किसी ने भी टक्कर वाला सीन करा बहुत गलत करा। हमारा जो यूट्यूब का परिवार है ना भाई, वो इतना पागल हो गए ना उस चीज़ को लेके। बहुत प्राउड हूँ कि मैंने कुछ नहीं कमाया, बट एक परिवार बनाया, वो बहुत बड़ी बात है, जो मेरे सुख दुख में मेरे काम है भाई हर तरफ से। मैं सुबह से व्लॉग नहीं कर पा रहा था कि आप पापा बाहर टहल रहे हैं। पापा की कल हुआ क्या था वो एग्जैक्टली बताओ। मैं जा रहा था पेट्रोल डलवाने, और जरा से ही गया, जरा से आगे बढ़ा, इतने में पता नहीं कहाँ से इतनी स्पीड में मोटरसाइकिल। तो आपको गाड़ी दिखी नहीं वहाँ से आते हुए रोड से? मैंने दोनों तरफ देखा तो उधर लाइट बहुत दो पीछे थी, लेकिन वो सडनली इतना अचानक ही हो गया वो कि एक तो हाथ में ये लग गया गुम चोट। पापा का ना ये हाथ पूरा स्वेल हो रखा है। कल पट्टी लगाई थी, आज फिर पट्टी लगाई, और ये उंगली, ये भी गुम चोट है लगी इसमें भी। ये लगी टेढ़ी होगी भाई। मैं सच बताऊँ ना तुम्हें, अगर उस टाइम या तो ये मौजूद होता ना कैमरे के पीछे, या मैं मौजूद होता, तो
गलत हो जाता, बहुत कुछ गलत हो जाता। आपने कुछ बोला नहीं उसे? अरे अचानक ही हुआ वो एकदम से घूम टोटी है थोड़ी इधर। कोई बात नहीं गाइस, ठीक हो जाओगे आप। जो आपका परिवार है ना यूट्यूब का, मैं कमेंट मैं दिखा नहीं सकता आपको। गाइला मैसेज में मैंने एक स्टोरी लगाई थी, लोग इतने सब पागल हो गए ना। इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है। तो अपनी ऑडियंस को समझाओ एक बार कि सब सिचुएशन कंट्रोल है, सिचुएशन कंट्रोल है। ऑडियंस तो क्या है, परिवार है भाई हमारा यूट्यूब का। हाँ परिवार है, इसलिए इतना हाइपर नहीं होना बच्चे। मैं ठीक हूँ बिल्कुल, कल एक्सरे वगैरह करा दूंगा, कुछ होगा तो देखी जाएगी। बाकी अगर लड़ाई वड़ाई होगी ना पापा के, पापा वीडियो बना के डाल दे। पापा सच बता रहा हूँ, अगर आप गलती से भी बोल दोगे ना कि ऐसा करना है, ये लोग ना इतने पागल हो रहे हैं ना, आपकी वजह सारे पहुँच जाएंगे। मतलब आपको सारे, आपको एक गेट के बाहर भीड़ ही भीड़ देगी सच्ची। अगर आपने एक बार वीडियो में बोल, भले मेरी बात नहीं मानेगा कोई, आपने बोल नहीं, दिया नहीं, इतना नहीं, पागल है। अपना भविष्य बनाओ, पढ़ाई लिखाई करो, ऐसा आई पर मत होना। हे गाइस, यह हमारा चैनल है। हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। सारे भैया लोग वहाँ पे खेल रहे हैं, देखो। अबे तेरा स्कूल का नाम क्या है? आदर्श आना गाइस, प्रियांशु जोशी, वो भी आदर्श, हार्दिक रावत, आदर्श रावत, तेरा भी आदर्श है, आदर्श रावत एंड बाकी दीपक आशीष, हम लोग सारे हो जाता है पब्लिक स्टंट था। फिलहाल अगर हम लोग मैच खेलते हैं, मैच खेलने के बाद तुमसे मिलते हैं। बोलू भी आ चुका है, बोलू अंकल जी से थोड़ा बहुत कुछ बात कर रहे हैं। पाँच बजे बोला था आने को, इतना लेट क्यों आया? क्या तू आया 5 बजे? मैं ग्राउंड में देख रहा था, 5 बजे कोई नहीं। मैं 5:30 में यहाँ पहुँच गया था भाई, पता तुझे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। फिर लाइक दिस व्लॉग एंड मेक श्योर टू डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट बेबी। बाय द वे क्या ये अच्छा लगा होगा तुम्हें व्लॉग? बीटी चल रही है भाई जिंदगी में, मेरी नहीं नोटियल की भी। नोटियल के साथ क्या हुआ, हम लोग ने एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, मैं नोटियल और पूरी टीम, तुमने इससे पहले वाले व्लॉग में देखा होगा। तो क्या हुआ कि नोटियल सुबह आ ही रहा था, हमें थोड़ा सा लास्ट का पार्ट शूट करना था। बेसिकली हम लोग एलविश भैया के ऊपर एक वीडियो बना रहे थे, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी हुई थी भाई मैंने, एंड लास्ट का पार्ट हमें सिर्फ शूट करना था, 3-4 सिनेमेटिक और एक कार से आने वाला पार्ट। नोटियल ना फ़ोन लेके यहीं आ रहा था व्लॉग करते करते। नोटियल भी ना बहुत ज़्यादा परेशान है, इस चक्कर में वो घर से बाहर ही नहीं आ रहा। तो हाँ, सबकी ज़िंदगी में गाइस बीटी चल ही रही है, बट कोई बात नहीं गाइस, बुरा वक्त आता है ना, फिर बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त भी आता है, सह लेंगे थोड़ा सा। फिलहाल के लिए कल वाले ब्लॉग में मिलते हैं, ठीक है।